अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खौफ अब भारत में खत्म हो चुका है। लोग उसके खिलाफ खड़े होने लगे हैं। सरकार उसकी संपत्ति की नीलामी करा रही है, इसमें लोग शामिल भी हो रहे हैं और इन्हें खरीद भी रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ तालुका गांव में उसकी मां अमीना बी के नाम पर चार खेतों की नीलामी की गई है। इन चार खेतों में से दो खेत बिक गए, हालांकि दो अन्य खेतों की नीलामी में कोई भी शामिल नहीं हुआ था। इन दो खेतों को अजय श्रीवास्तव नामक एक वकील ने खरीदा है। अजय श्रीवास्तव ने 170.98 वर्ग मीटर का खेत 2.1 करोड़ में खरीदा है। इस दौरान हैरानी की बात ये रही कि इस खेत की रिजर्व कीमत केवल 15,440 रुपए ही थी। वहीं नीलामी लिस्ट में चौथे नंबर पर रखा गया 173.0 वर्ग मीटर का खेत भी अजय श्रीवास्तव ने खरीदा है। इसकी बिक्री 3.28 लाख में हुई। इस खेत की रिजर्व कीमत 1,56,270 रुपए रखी गई थी। अजय श्रीवास्तव इससे पहले भी दाऊद की कई संपत्तियों को नीलामी में खरीद चुके हैं। इस खेती योग्य जमीन को खरीदने से पहले वह दाऊद का मुंबई में उनका पैतृक घर भी खरीद चुके हैं। 2001 में अजय श्रीवास्तव ने कुछ दुकानों के लिए भी बोली लगाई थी। इस संबंध में कानूनी लड़ाई चल रही है। श्रीवास्तव को जल्द ही दाऊद का पैतृक घर मिल सकता है। उस घर के दस्तावेज उनके नाम पर हो सकते हैं। वे इस घर में एक सनातन विद्यालय शुरू करने का इरादा रखते हैं। अजय श्रीवास्तव ने उस समय में दाऊद का मकान खरीदा था जब तमाम लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। दाऊद की संपत्तियों को खरीदने को लेकर अजय बताते हैं कि उनका मकसद लोगों के मन में दाऊद का डर निकालने का है। वो ये भी कहते हैं कि सरकार जैसे पढ़ाई, घर और गाड़ी के लिए लोन देती है, वैसे ही दाऊद की संपत्ति को खरीदने के लिए भी कम ब्याज दर पर लोगों को लोन दें, जिससे दाऊद का साम्राज्य आसानी से खत्म किया जा सके।